कल हमारी वापसी है तो मैंने सोचा आज आपको एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट का थोड़ा बता दूं। ये जो कुबरी है इसको कहते हैं जबले काबा कुबरी। ये जबले काबा कुबरी कुबरी बेसिकली उसको कहते हैं क्या नाम है ब्रिज को। इसके पीछे जो है ये वाली जो साइड है वो वहाँ पे हमारा होटल है, दैट इज़ कॉल्ड क्या नाम है इसका अल किसवा टावर। और ये जबले काबा का अड्डा है, यहाँ पे उनकी आगे जो शटल सर्विस छोड़ती है। और इसके आगे साथ ही जो है ये शुरू हो जाती है इसकी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जो है। ये बेसिकली बहुत पीछे आके मक्का का जो मक्का जो खाना काबा है, खाना काबा के बहुत ज़्यादा पीछे आके ये इन्होंने पीछे इसको एक्सपेंड किया है। अब जिस तरह का ये कर्व इसका चल रहा है आपको नज़र आ रहा है, इसी कर्व के हिसाब से ये सारे को घुमा के लेके जाएंगे। और उससे होगा फिर क्या कि ये कर्व जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो आगे होके फिर ये रोड भी इनको ख़त्म करनी पड़ेगी। और ये कर्व ऐसे घूम के आगे वो सामने जो आपको होटल नज़र आ रहा है शेरटन, सॉरी हिल्टन, जबले उमर हिल्टन है वो, जबले उमर हिल्टन भी इसके अंदर आ जाएगा। और ऊपर से घूम के ये कुबरी मिसफला तक जाएगा जो उस साइड वाली कुबरी है शारा इब्राहिम खलील के उस तरफ जाके। तो ये होटल तो शायद पहले वाली एक्सपेंशन जो उसमें बच जाएँ, ये 5-स्टार होटल्स हैं। ये पहला जो है ये शेरटन है, उसके आगे जो है वो सॉरी ये हाँ ये है ये भी शेरटन, ये शेरटन है, ये शेरटन आगे शाजा है, शाजा से आगे फिर जो अगला है वो अंजुम है। तो ये तीन तो बच जाएंगे क्योंकि आप अगर इसके कर्व के देखें तो वो कर्व वहाँ से मुड़ गया है, ये अंजुम शायद बच जाए, लेकिन जो अगला है उसके बचने के चांसेस कम हैं वो जो सामने नज़र आ रहा है। और फिर ये जबले उमर और हयात रेजेंसी और ये वाले तो 100% इसके अंदर हैं। इसके अलावा वो जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है इसका नाम है क्लाक टावर, स्विस होटल, फेयरमोंट, ये सारे हैं काबा व्यू वाले होटल। ये भी काबा व्यू के साथ हैं, ये शेरटन जो है ये भी काबा व्यू के साथ है, ये जो शाजा है इसके भी ऊपर से काबा व्यू है, और ये जो अगला है ये भी क्या नाम है फंदुक अंजुम, ये भी काबा व्यू के इसके ऊपर वाले रूम्स हैं। तो ये तो बच जाएंगे, लेकिन ये अगले जो हैं ये सारे के सारे जो हैं आपको दारो तौहीद है, इंटर कॉन्टीनेंटल है, ये वो सारे जो हैं इस एक्सपेंशन में आ जाएंगे। क्योंकि आप देखें ना ये यहाँ से ऐसे सीधा जा रहा है तो ये ऐसे क्रॉस करेगा, तो फंदुक अंजुम की जो है फ्रंट वो बच जाए शायद, और आगे ये सारे जो हैं इसके अंदर ये शाजा वगैरह ये बच जाएंगे। और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये जो ऊपर क्लॉक टावर है ये भी इसमें आ जाएगा, इसके नीचे स्विस होटल है वो भी आ जाएगा, उसके नीचे फेयरमोंट है वो भी आ जाएगा, दारुत तौहीद, इंटर कॉन्टीनेंटल, और भी बहुत सारे होटल्स हैं जो इस सारे क्लब के अंदर हैं। तो ये भी सारे जो हैं, अब यहाँ से अगर आप इस कॉर्नर को ऐसे लें जैसे ये कॉर्नर है तो ये कॉर्नर सीधा बिल्कुल फंदुक अंजुम के कॉर्नर के साथ जाएगा, और वहाँ से आगे फिर यही घूम के ये सामने जो ये रोड आपको नज़र आ रही है इसको बोलते हैं शारा इब्राहिम खलील, ये आगे फिर उस पर जाती है कबूतर चौक पे, और कबूतर चौक से फिर ये दो सड़कें हो जाती हैं, एक इब्राहिम खलील रोड है मेन जो है, और साथ उसके एक छोटी आर्टरी निकलती है जिसको कहते हैं हिजरा रोड। तो ये हिजरा रोड और इब्राहिम खलील जो हैं ये सारी फिर इसी रोड से आगे जाके शुरू हो जाती हैं। वो इब्राहिम खलील और हिजरा जो हैं वो सारी की सारी टूट जाएंगी और वो अंदर आ जाएंगी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के अंदर, कुबरी मिसफला और इधर कुबरी जो है जबले काबा, ये दोनों मिला के जो हैं इसके अंदर फिर पहला जो अभी ओरिजिनल ये प्रोजेक्ट है इनका एक्सपेंशन का ये इसके अंदर होगा। अभी फ़िलहाल ये इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ज़ाहिर है फिर अगले फेज़ के अंदर ये इसको फिर सारे को कवर करेंगे। ये यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इन्होंने वो बनाना जो है ब्रिजेस वगैरह जो है वो बनाना वगैरह शुरू कर दिए हैं। ये शबीका है बेसिकली, नीचे शबीका का ग्रेवयार्ड है ये, तो ये इधर भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन उस तरह से एक तरह से शुरू कर दी है फॉर फ्यूचर। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंशन का था, ये वाली जो एक्सपेंशन ये हम रमज़ान में आए थे तब भी हो रही थी और अभी भी इसके अंदर काम चल रहा है, और ये शायद एक साल इसमें और लग जाए इसकी कंप्लीशन में। तो एक ज़माना आएगा इंशाल्लाह जब ये वाली सारा जो आपको ये नज़ारे हैं, ये जो 20 किलोमीटर पहले आपको नज़र आ जाता है क्लॉक टावर, ये सारा जो है गिरा दिया जाएगा। और हो सकता है इससे भी बड़ा क्लॉक टावर जो है वो पीछे किसी जगह की, ये बहुत बड़ा होटल बना रहे हैं, पता नहीं रॉयल मक्का रॉयल मदीना कुछ इस टाइप का उसका नाम है, या मसार बना रहे हैं कुछ इस तरह का है, ऐसा ही एक बन रहा है पीछे बहुत बड़ा होटल। तो सोच रहा हूँ कि वो जो है उसका भी किसी दिन इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो हम उसमें भी आके रुकेंगे और उस जगह
आके आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये फिर जो है ये इस साइड के राइट साइड के ऊपर जो है ये शबीका का ग्रेवयार्ड है। ये क्या है, इसके ऊपर मेरे चैनल के ऊपर एक अलहदा से वीडियो है शबीका ग्रेवयार्ड के ऊपर, वो ज़रूर जाएं और ज़रूर जाके देखें कि शबीका के ग्रेवयार्ड की क्या हिस्ट्री है। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप उम्रे पे आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मैं उम्रे की गाइडेंस की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा मेरे चैनल पर मतलब काफ़ी वीडियोज़ हैं, तो गाइडेंस के हवाले से अगर आपको चीज़ चाहिए हो, पूछना हो, तो आप मुझे मैसेज करके कॉमेंट में भी पूछ सकते हैं। और वैसे आपको होटल की इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए, कौन सी गाड़ी जराना जाती है, मस्जिद आयशा कैसे जा सकते हैं, मतलब कम किराया कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैं बताता रहता हूँ। तो अगर आप उम्रे पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे चैनल की वो वाली प्लेलिस्ट उम्रा गाइडेंस के नाम से है, वो जाने से पहले ज़रूर देख लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।